गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रेक। तो ब्रेक क्या होता है? ब्रेक किसी भी व्हीकल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट भी बुलाते हैं। ये कंट्रोल यूनिट होती है, किसी भी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए आप ब्रेक का यूज करते हो। तो ब्रेक क्या काम करती है? अगर फंक्शन की बात करें ब्रेक का, तो अगर गाड़ी को आपको की स्पीड को कम करना है, जिसको हम बुलाते हैं डी एक्सेलरेट, तो भी हम ब्रेक की यूज करेंगे। अगर आपको गाड़ी को स्टॉप करना है, कंप्लीटली स्टॉप, तो भी हम ब्रेक का यूज करेंगे। उसी टाइप से अगर आप डाउन हिल पे जा रहे हैं, डाउन हिल का मतलब है किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपका स्लोप क्या है, डाउनफॉल, तो उस जगह पर गाड़ी की वेलोसिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है, मेंटेन करना है आपको। आपको पता है ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी, तो अगर आपको सेफली वहां पर अपना सेफली ड्राइव करना है, तो उस टाइम आप ब्रेक का यूज करके वेलोसिटी को कंट्रोल करते हो। तो ये फंक्शन हो गए हमारे। अब जो हम ब्रेक पढ़ते हैं, तो कुछ माइंड में हमारे कुछ डाउट्स होते हैं। जैसे कि पहला डाउट ये होता है कि पावर की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, जो ब्रेक लगाते टाइम कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये पावर उसके बराबर होगी जब हम गाड़ी को चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो क्या उतनी ही पावर चाहिए हम इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी गाड़ी 0 से लेके 72 किलोमीटर पर आवर तक के लिए पावर चाहिए मुझे कुछ, क्या 72 से 0 लाने के लिए उतनी ही ब्रेकिंग पावर लगानी पड़ेगी मुझे, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेक फेल का मतलब क्या है, आगे आपको समझाया जाएगा कि ब्रेक फेल का मतलब क्या। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या आप अपनी गाड़ी को नहीं रोक पाओगे, या अगर ब्रेक फेल होने पे भी आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाओगे। तो हम आगे आपको बताएंगे कि ब्रेकिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है टाइम, कितने टाइम में आप ब्रेक लगा सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने व्हीकल को 4 सेकंड में, अगर मेरी 70 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है, तो मान लीजिए मैं 4 सेकंड पे उसको स्टॉप कर सकता हूं। अगर ब्रेक फेल हो गई है तो यहां पर पार्शियल ब्रेक का ऑप्शन होता है, तो आप 4 सेकंड में नहीं, तो कम से कम 10 सेकंड में आगे चल के उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक फेल हो गई तो गाड़ी को आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिनको हम ड्यूल सर्किट भी बुलाते हैं, जहां पर आपके पास अगर सिस्टम आपका फेल भी हो जाए तो भी पार्शियल ब्रेकिंग की वहां पर आपके पास फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ड्रम और डिस्क ब्रेक क्या होती है। हम बहुत सुनते हैं कि ये ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक क्या चीज है, ठीक है। तो आगे आपको बताया जाएगा कि डिस्क ब्रेक क्या है, ड्रम ब्रेक क्या है, और लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन, अगर 4 टायर है गाड़ी के अंदर, क्या चारों टायरों में सेम टाइप की ब्रेक है, क्या चारों में डिस्क ब्रेक है, क्या चारों में ड्रम ब्रेक है, या ऐसा होता है कि आगे 2 टायरों में डिस्क ब्रेक, पीछे 2 में ड्रम ब्रेक, तो वो सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए जाएंगे। तो इस कंप्लीट यूनिट में हम यही देखेंगे कि ब्रेक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है ब्रेकिंग का, कैसे आप गाड़ी को स्टॉप करते हो, आपके ब्रेक फेल का मतलब क्या होता है, और कौन से टायर में कौन सी ब्रेक लगी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है ब्रेक लगाने के लिए। तो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज आपकी कोई व्हीकल है, वो 0 किलोमीटर पर आवर से आपने उसको 72 किलोमीटर पर आवर तक आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अब 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 72 5 by 18 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बाई 18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका 0 किलोमीटर पर आवर से 20 मीटर पर सेकंड तक, या 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक आपने गाड़ी को बढ़ाया, और कितना टाइम लग गया आपको। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 20 सेकंड में आपने अपनी गाड़ी को 0 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचा दिया, ओके। तो अब यहां पर देखिए वेलोसिटी कितनी है, पहले वेलोसिटी कितनी थी आपकी V1, ठीक है, V1 वेलोसिटी कितनी थी आपकी 0, V2 कितनी हो गई आपकी, यहां देखिए V2 हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
अब आते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेट कितना किया आपने, एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल कितनी है 20, इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं पावर की कितनी पावर लगी, कितना पावर लगी कि 0 से 72 तक जाने में, 0 वेलोसिटी से 72 वेलोसिटी पे जाने में कितनी पावर आपके इंजन ने दी आपको, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कौन सी है आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान लेते हैं व्हीकल जो है आपकी वो 1000 kg या 10,000 kg की है, ठीक है। सपोज हम इसको 1000 kg लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत हल्की ली हमने, 1000 kg का मतलब 1 टन, ठीक है। तो ये अब आते हैं इनटू वी टू स्क्वायर कितना हो गया आपका, वी टू दैट मींस 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपका 20। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 20, ठीक है, 1 इनटू 1000 इनटू 400। तो ये आ गया आपका, दैट विल बी कम्स आउट 10 kilowatt। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 किलोवाट पावर लगानी पड़ी 0 से 72 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। अब हम देखेंगे क्या मुझे 72 किलोमीटर पर आर से 0 किलोमीटर पर आर पे आने के लिए 10 किलोवाट ही ब्रेकिंग पावर लगानी पड़ेगी या उससे कम या उससे ज्यादा, अभी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब क्या है, आपको 72 किलोमीटर पर आर से 0 किलोमीटर पर आर वेलोसिटी पे आना होगा। ब्रेक का मतलब वही होता है, ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। इस यूनिट को सेम रखेंगे हम, मान लेते हैं कि 4 सेकंड में हमने अचीव किया, 4 सेकंड में आपने 72 से 0 कर दिया, स्टॉप कर दिया व्हीकल को 4 सेकंड में। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, फाइनल आपने 0 कर दी। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 5 माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब यहां पर आप डीएसेलरेट कर रहे हो, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड लेंगे अभी, तो हमारा 5 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं पावर, पावर कितनी लगी आपने, देखिए पावर को यहां दिखाता हूं आपको, ब्रेक के लिए पावर कितनी लगी। पावर का फॉर्मूला आपको वही बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आपकी, हाफ मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ आपका, 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया आपका 1000 इनटू 400, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 4 आपका 50 किलोवाट। देखिए पावर इंजन को कितनी पावर लगानी पड़ी, 10 किलोवाट 0 से 72 के लिए, पर ब्रेक लगाने के लिए आपको 50 किलोवाट चाहिए, उससे भी 5 टाइम्स,
इसका मतलब ये हुआ है जितनी पावर इंजन देता है उससे ज्यादा पावर लगानी पड़ती है आपको गाड़ी को रोकने के लिए। अब ये पावर क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि हीट जो लॉस होता है बहुत ज्यादा होता है। मेन जो अभी आपको आपको बताते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप कि जितनी जितनी पावर आपको गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा पावर उसको रोकने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल क्या है, कैसे ब्रेक लगती है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ब्रेकिंग। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि काइनेटिक एनर्जी को आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट करोगे आप हीट एनर्जी में, ठीक है। आपने उसको हीट जब आप रोकोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो हीट एनर्जी आप एनवायरमेंट में डिसिपेट करते हो, मान लीजिए व्हील है आपका रोटेट कर रहा है, व्हील को आपने रोका आपने, ठीक है, फ्रिक्शन से या किसी भी टाइप से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको यही बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कन्वर्ट हो सकती है, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमने यहां पर देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो हीट एनर्जी आपको एनवायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है, ठीक है, कहां पर डिसिपेट होगी, एनवायरमेंट। तो इस टाइप से हमारा ब्रेक ऑपरेट करता है, चाहे कोई भी ब्रेक हो यही ऑपरेशन रहेगा काइनेटिक एनर्जी, वो उसमें मेथड डिफरेंट होगा। किसी में तो आप फ्रिक्शन की हेल्प लोगे, फ्रिक्शन में तो सभी को लेंगे हम, किसी में आप बैंड की हेल्प लोगे, ठीक है, जिसमें हम बैंड ब्रेक लाएंगे, किसी में आप इंटरनल शू की हेल्प लोगे, किसी में हम डिस्क ब्रेक का यूज करेंगे। कैसे भी करें काइनेटिक एनर्जी को आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इसी को हम ब्रेक प्रिंसिपल बुलाते हैं और वो हीट एनर्जी आगे चल के एनवायरमेंट में डिसिपेट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेक है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, क्लासिफिकेशन बोलिए या टाइप्स ऑफ ब्रेक्स बोलिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, टाइप्स ऑफ ब्रेक। देखिए पर्पज क्या है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पज, तो पर्पज के अकॉर्डिंग मेरी ब्रेक तीन टाइप की हो सकती है, फर्स्ट सर्विस ब्रेक, सेकंड को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक, और लास्ट होती है आपकी पार्किंग ब्रेक, देखिए पर्पस क्या मतलब, अगर जो नॉर्मली हम जब गाड़ी को चलाते हैं तो जो हम ब्रेक लगाते हैं वो सर्विस ब्रेक होती है आपकी, कभी इमरजेंसी में आपको सडनली ब्रेक लगानी पड़े तो जो हम आपका हैंड लीवर से मेनली हम रखते हैं उसको सेकेंडरी या इमरजेंसी ब्रेक बुलाते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है पार्किंग ब्रेक, जब आपको कोई गाड़ी अपनी गाड़ी को पार्क करना है तब हम ब्रेक का यूज करते हैं, तो वो जो पोर्शन होता है उसको हम पार्किंग ब्रेक बुलाते हैं। तो पहला पोर्शन क्या हो गया, पर्पस क्या है, सेकंड है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मेनली दो ही टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका ड्रम ब्रेक और नेक्स्ट होता है आपका डिस्क ब्रेक। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम ब्रेक को दो में क्लासिफाई करते हैं, ड्रम एंड डिस्क ब्रेक। और जो नेक्स्ट है हमारा रब कर देते हैं, थर्ड क्राइटेरिया है आपका मेथड ऑफ एक्चुएशन का मतलब है ब्रेक को लगाते कैसे हो आप, किस चीज की हेल्प ले रहे हो ब्रेक को लगाने के लिए, एनर्जी कहां से आ रही है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है मैकेनिकल ब्रेक,
मैकेनिकल ब्रेक में हम लीवर का यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट का यूज करेंगे, ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेक। नेक्स्ट आपके हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक जहां पर हम हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज करेंगे तो वहां पर हम हाइड्रोलिक ब्रेक लाएंगे, ठीक है। उसी टाइप से आपका वैक्यूम ब्रेक होती है, जहां पर हम वैक्यूम की एप्लीकेशन यूज करके ब्रेक को ऑपरेट करेंगे या उसको एक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका एयर ब्रेक्स, जहां पर हाई प्रेशर जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर को यूज करेंगे हम ब्रेक को एक्चुएट करने के लिए, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है। तो मेन हम मैकेनिकल ब्रेक को पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक को एंड एयर ब्रेक्स को, ये अभी हम कवर करेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा ब्रेक का, पहले हमने देखा कि पर्पस क्या है, पर्पस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हो सकते हैं। सर्विस ब्रेक होती है, जिसको हम नॉर्मली गाड़ी चलाते टाइम जो ब्रेक लगती है वो सर्विस ब्रेक होती है। सेकंड टाइप की होती है इमरजेंसी या सेकेंडरी ब्रेक, जब कोई सडनली आपको ब्रेक लगानी पड़ती है तो हैंड लीवर को आप प्रेस करते हो, उसको सेकेंडरी ब्रेक बुलाते हैं हम, ठीक है। लास्ट होती है पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं किसी भी जगह पर तो वो तब हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दो टाइप की होती है। और लास्ट में हमने देखा कि मेथड ऑफ एक्चुएशन के अकॉर्डिंग आपका कौन सी एनर्जी आप यूज कर रहे हो, मैकेनिकल ब्रेक हो जाएगी, हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो इतने टाइप की ब्रेक्स हो सकती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रेक जो है उसका कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ब्रेक्स का, और फिर हम जो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट। अच्छा एक टॉपिक को कवर करते हैं इसमें, रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेक्स। कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसे लिखिए ब्रेकिंग, ब्रेकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए ब्रेकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने से कम टाइम में आप ब्रेक को लगाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। जो तो सबसे पहला होता है शॉर्टेस्ट, शॉर्ट ब्रेकिंग टाइम, शॉर्ट ब्रेकिंग टाइम। नेक्स्ट होता है कि आपको रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, रिलायबल, जितनी ज्यादा रिलायबिलिटी होगी उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और लास्ट होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये तीन मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, ब्रेकिंग टाइम कम होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए ब्रेकिंग टाइम का मतलब क्या है, ब्रेक लगाते टाइम ये टाइम काउंट होते हैं, कौन कौन से होता है। सबसे पहले होता है ड्राइवर रेस्पॉन्स, ड्राइवर रेस्पॉन्स टाइम प्लस ब्रेक रेस्पॉन्स टाइम, ब्रेक रेस्पॉन्स टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम। देखिए जो टोटल आपका ब्रेकिंग टाइम है जो आपका ये है कंप्लीट, वो ड्राइवर रेस्पॉन्स टाइम आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। ब्रेक रेस्पॉन्स टाइम, जो ब्रेक का आपका सिस्टम डिजाइन किया है आपने, उसको रेस्पॉन्स कितनी जल्दी करता है जब आप ब्रेक लगाते हो। और लास्ट में ये वो टाइम होता है जो आपका मैकेनिज्म या लिंकेज पर डिपेंड करता है किस टाइप का है। तो ये जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जितने कम टाइम में लगाओगे उतना ही चांसेस हो कि आपको कि इमरजेंसी कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में ब्रेक को आप प्रॉपर तभी ऑपरेट कर पाओगे। जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतनी प्रॉब्लम फेस करोगे आप। नेक्स्ट होता है कि रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर गलती से आपकी ब्रेक फेल भी हो जाए तो भी आप ब्रेक लगा पाओ, उसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब आज के टाइम में हम दो तरह के सिस्टम हमारे पास होते हैं, सिंगल सर्किट एंड ड्यूल सर्किट।
तो सिंगल सर्किट तो वो होती है जहां पर अगर आपकी ब्रेक फेल हो गई तो आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एक होता है ड्वेल, ड्वेल सर्किट का मतलब होता है दो सर्किट होते हैं, अगर एक सर्किट फेल भी हो जाए तो सेकंड सर्किट की हेल्प से आप ब्रेक को लगा पाओगे, तो वो ही रिलायबल होता है। रिलायबिलिटी का मतलब इफ योर सिस्टम फेल्स देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू एबल दी पार्शल ब्रेकिंग, यू कैन यूज दी पार्शल ब्रेकिंग, तो पार्शल ब्रेकिंग की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपको मिनिमम शॉर्ट ब्रेकिंग टाइम हो, साथ साथ में स्टेबिलिटी भी आपको मिले। कैसे, जब आप ब्रेक को लगाओगे तो ब्रेक लगाते टाइम अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए और अनस्टेबल आपकी नहीं होनी चाहिए व्हीकल, ठीक है, तो उसे स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो ये तीन मेन रिक्वायरमेंट होती है हमारे किसी भी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम में। आप यही देखोगे कि आपका कितना टाइम लग रहा है, कम टाइम लगना चाहिए ब्रेक लगाने में, ठीक है, ब्रेक को ऑपरेट करने में, ठीक है, जो ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए या वेलोसिटी कम करने के लिए जो टाइम लगता है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट रिलायबल होना चाहिए कि फेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिस्टम फेल हो गया तो कोई फॉल्ट आ गया तो आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे, ऐसा अगर हुआ तो रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो ब्रेक लगाते टाइम वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, ठीक है। तो रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।